नमस्कार, जय हिंद। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है जेके समीक्षा पोर्टल की तरफ से। एक बड़ी अपडेट जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि दिसंबर मंथ की फीडबैक का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। स्टूडेंट अपने टीचर्स को फीडबैक दे सकते हैं, लेकिन जहाँ पे बहुत सारे स्कूल्स ऐसे हैं जो एक प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, जैसे कि बच्चा जब भी अपनी जेके समीक्षा ऐप को ओपन करता है, ओपन करने के बाद जहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे वो स्कूल को फीडबैक दे देता है, लेकिन जहाँ पे टीचर आप जहाँ पे देख सकते हैं असाइंड जहाँ पे जीरो बताया जा रहा है, जबकि इससे पिछले 2-3 मंथ से फीडबैक का प्रोसेस चल रहा है। टीचर्स मैप ऑलरेडी हो चुके हैं, लेकिन मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जेके समीक्षा पोर्टल पे कुछ अपडेट चल रही है, उसमें सेक्शंस ऐड की हैं, जिसकी वजह से जितना भी मैपिंग का प्रोसेस था वो सारे का सारा रेज हो चुका है। इसलिए सभी स्कूल्स के HOI से ये मेरी प्रार्थना है कि आप एक बार फिर से मैपिंग का प्रोसेस स्टार्ट कर लें। अगर आपके स्कूल में ऐसा केस आ रहा है, जब भी कोई बच्चा लॉगिन करता है, लॉगिन करने के बाद जब भी वो अपने टीचर को फीडबैक देने की कोशिश करता है, तो जहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे हम यहाँ पे सबमिट फीडबैक का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद सबसे पहले स्कूल रिव्यू में बच्चा फीडबैक देगा। जैसे ही स्कूल रिव्यू की फीडबैक पूरी होने के बाद हम नेक्स्ट करेंगे, प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद हमें टीचर्स किस टीचर को फीडबैक देनी है, जहाँ पे सेलेक्ट पे क्लिक करके हमें टीचर को सेलेक्ट करना होता है। तो सेलेक्ट करने पे जहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चे के डैशबोर्ड पे कोई भी टीचर जहाँ पे शो नहीं हो रहा है, जबकि अगर वो सब्जेक्ट पे क्लिक करता है तो सब्जेक्ट सारे जहाँ पे शो हो रहे हैं, लेकिन टीचर शो नहीं हो रहा है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर इस तरह का एरर आ रहा है कि बच्चे के डैशबोर्ड पे कोई भी टीचर शो नहीं हो रहा है, या 2 टीचर शो हो रहे हैं, 3 टीचर शो नहीं हो रहे हैं, ऐसे में आप एक बार फिर से मैपिंग कर लें। जो टीचर शो नहीं हो रहे हैं आप उसे एक बार फिर से फ्रेश से कर लें, ताकि इस तरह की प्रॉब्लम आपके सामने नहीं आएगी।